जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पीसी चंद्रा ग्रुप द्वारा स्टॉप द ड्रॉप कैंपेन का आयोजन पीसी चंद्रा गार्डन में किया गया। इस अवसर पर पीसी चंद्रा ज्वेलर्स के प्रबंध निदेशक उदय कुमार चंद्रा एवं टॉलीवुड अभिनेता सभ्यसाची चक्रवर्ती उपस्थित रहे। बिल्कुल, इनिशिएटिव जो है वो मतलब लोगों के बीच जो अवेयरनेस लाने की जरूरत है वो उनको अवेयर नहीं हो रहे लोग, और लोगों को और अवेयर होने की जरूरत है, और उनको समझना चाहिए कि अगर पानी ना रहे तो क्या हो सकता है। तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, तो पूरा जो धरती है वो तो एक बंजर जगह बन जाएगी, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अनदर डेजर्ट। तो अगर हमें खुद को बचाना है, अगर इस धरती को बचाना है, तो हमें वाटर कंजर्वेशन करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। यही लोगों को समझाना पड़ेगा, अगर ऐसे नहीं समझे तो सर पे डंडा मार के सिखाना पड़ेगा। जब बोलने से नहीं समझ रहे हैं तो ज़बरदस्ती समझाना पड़ेगा। जो KMC का इनिशिएटिव था, जो हमने बहुत पहले बोला था कि KMC को किसी कंस्ट्रक्शन का परमिशन नहीं देना चाहिए जब तक कि वाटर कंजर्वेशन उनके एजेंडा में ना हो, लेकिन KMC को इनिशिएटिव नहीं ले रही है। पता नहीं कोई वजह होगी, लेकिन उनको लेना पड़ेगा। ये नहीं, देखिए सिर्फ टाइगर्स की संख्या बढ़ जाए तो हमें इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइगर्स अगर बढ़ जाएँ तो अगर जगह कम हो और टाइगर्स कंसंट्रेशन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो आपस में लड़ाई करके मरेंगे वो लोग। तो हमें उनके लिए जंगल तैयार करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, जंगल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी शेर बच सकते हैं। नहीं तो शेर की संख्या, तो अगर आपको मालूम है कि देश में संख्या अगर 2500 हो तो पूरी दुनिया में टाइगर की संख्या 4000 से ज़्यादा है, लेकिन वो कैप्टिव टाइगर्स हैं। कैप्टिव टाइगर से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें जंगल में शेर चाहिए, और जंगल में अगर शेर चाहिए तो जंगल बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कलकत्ता में सबसे बड़ी दुखद बात यही है कि हमने ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स को उसको बुझा दिया है, और हमने उसको कवर कर दिया है, उसमें वेटलैंड्स को बंद करके उसमें बाईपास बनाया है हमने, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। अब ये जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स थे, यही थे हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एकमात्र शहर, ऐसा ही था कलकत्ता, जहाँ पे कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, बिकॉज इट वॉज नेचुरली क्लीन बाई द वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स को अब बुझा दिया गया है, सो कलकत्ता इज़ ड्राउनिंग।